सीएमटी एक्ट के संदर्भ में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद गर्म हो गया है राज्य का राजनीतिक माहौल। सीएमटी एक्ट का अनुपालन सख्ती से हो और आज हम इस प्रतिबद्धता को यहाँ पर दिखाने के लिए उपस्थित हुए हैं कि सीएमटी एक्ट हमारी अस्मिता का सवाल है, हमारी सभ्यता से जुड़ा हुआ सवाल है। सीएमटी एक्ट हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी तरह से इस कानून में हम छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ओआई के सबरवाल उनके साथ 9 खंडपीठ संविधान खंडपीठ ने फैसला दिया है कि 9 शेड्यूल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चैलेंजेबल। ये हम सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं और जो लोग संविधान सीएनपी एक्ट को संशोधन करना चाहते हैं जरा पाठ पढ़ लीजिए, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चैलेंजेबल। नाइदर असेंबली पावर है, नाइदर पार्लियामेंट है, नाइदर कॉन्स्टिट्यूशन 368 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत का संविधान में अलाउ नहीं करता है। कोई इसे लागू करने के लिए आंदोलन कर रहा है तो कोई इसे खारिज करने के लिए। अब सवाल यह है कि आखिर ये कानून बना ही क्यों? इसे समझने के लिए हमें उस समय और करीब 100 साल पहले के झारखंडी इतिहास को खंगालने की जरूरत है। सीएनटी एक्ट बना लेकिन उस समय से लेकर आज तक जमीन का अवैध हस्तांतरण बढ़ते रहा, यह हमारी सरकार भी मानती है। कौन से वे तत्व हैं जो प्रशासन और इस एक्ट को विरोधी ध्रुव पर लाकर खड़ा कर दिया है? अब सवाल है कि अगर यही कानून बने या इससे और सख्त कानून बने, तब भी क्या उन तत्वों को पहचाने बिना आदिवासी मूल वासियों की जमीन की हिफाजत संभव है जिनके कारण यह भू स्थानांतरण बढ़ा है? तो जो है वही है, उसमें कोई होना नहीं होना, जो है वो अक्षरशः इस राज्य का कानून है, हमारी पहचान है, हमारी भाषा है, हम उसके मालिक हैं। वर्तमान आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना में जीने वाले आदिवासी मूल वासियों की जमीन तो शायद इस कानून से बच गया, लेकिन बगैर एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के हमारे अस्तित्व और अस्मिता